हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये दो लहंगों का रिव्यू आपके साथ शेयर करना वाली हूँ। ये दोनों लहंगे मैंने क्लब फैक्ट्री से बाय किए हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों लहंगे कैसे आए हैं, इनका फैब्रिक कैसा है, और ये जैसे इमेज में शो हो रहे थे ये वैसे ही हैं या डिफरेंट है। तो चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ मैं ये ब्लू लहंगे का रिव्यू करूंगी। तो सबसे पहले हम इसके दुपट्टे की बात करते हैं। वहाँ पे इमेज में दुपट्टा शो नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ स्कर्ट और टॉप पोर्शन शो हो रहा था, बट मुझे यहाँ दुपट्टा भी रिसीव हुआ है, तो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और ये दुपट्टा ऑरेंज कलर का है, ये फुल नेट का है और बहुत सॉफ्ट नेट है। इसके साइड में इस तरह की पतली लेस लगी हुई है और इस दुपट्टे की चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा है। मतलब जैसे एक्सपेंसिव लहंगों में आती है ना वैसी है। इसकी चौड़ाई है पूरी दुपट्टे की और ये लंबाई है, और ये डेढ़ या दो मीटर का दुपट्टा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसको आप कैसे भी वेयर कर सकते हैं, इस लहंगे के साथ या किसी और ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्लाउज की। दुपट्टा ऑरेंज कलर का है, ब्लाउज पिंक कलर का है, तो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये पिंक कलर का है, ये सिल्क का ब्लाउज है और ये एक मीटर फैब्रिक में मुझे रिसीव हुआ है। तो आप जब भी इस तरह के ब्लाउज को स्टिच कराएं जो सिल्क का है, तो ज़रूर अस्तर के साथ स्टिच कराइएगा, वरना जैसे इसके धागे निकल रहे ना, ऐसे आपके ब्लाउज के भी धागे निकलने लगेंगे। फिर आप चाहे इसे क्रॉप टॉप सिलवाएं, ब्लाउज सिलवाएं, बट आप ज़रूर इसके अंदर अस्तर ज़रूर लगवाइएगा। तो अब हम थर्ड चीज़ की बात करते हैं, जो है इस लहंगे का मेन पार्ट, मतलब इसका स्कर्ट पोर्शन। तो देखते हैं कि इसका स्कर्ट कैसा है। तो ये पूरा डार्क ब्लू कलर का है और जैसा उसमें शो हो रहा था बंगाली सेटिन सिल्क, ये वही है। इसके यहाँ पे डोरी डालने का दिया हुआ है और इसके टॉप लेस लगी हुई है पतली, जैसे कि इसकी चुन्नी में लगी हुई थी। और यहाँ पे ये प्रिंटेड कुछ डिज़ाइन बनी हुई है इसके बॉटम वेयर पे, और ये पूरे पे बनी है, फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप इसके अंदर अगर लाइनिंग नहीं भी लगवाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। करते हैं स्कर्ट के लेंथ। तो स्कर्ट की लेंथ बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से हर हाइट की गर्ल्स को हो जाएगा, और आई थिंक सबको ये लंबा ही पड़ेगा। आपको इसके अंदर हील्स वेयर करनी पड़ेगी या विदाउट हील भी वेयर कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। इसकी कमर आई थिंक डबल एक्सल तक के लोगों को हो जाएगी, इसकी कमर बहुत बड़ी है। और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई इस लहंगे की ठीक ठाक है प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब अच्छी है। इसमें यहाँ प्लेट्स भी हुई है, फुल्ली स्टिच है, तो जब आप इसे अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स बन के निकलेंगे, जिससे ये लहंगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट लहंगा। तो बढ़ते हैं मेरे सेकेंड लहंगे की तरफ। सेकेंड लहंगे में भी पहले हम चुन्नी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की चुन्नी रिसीव हुई है, ये ऐसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनिंग मटेरियल में है, और ये भी बहुत लंबाई में बहुत लंबी है, और चौड़ाई में ये उतनी लंबी नहीं है, बट ये फिर भी है लंबी। इसके यहाँ पे लेस का काम दिया है, लेस लगी हुई है, यहाँ पे भी एक पतली सी लेस लगी हुई है, और ये भी बहुत अच्छी लगेगी। बात करते हैं लहंगे के ब्लाउज की। तो ये लहंगे का ब्लाउज ब्लैक कलर का रिसीव हुआ है, और जैसे इमेज में दिख रहा था कि उसने अपनी वेस्ट पे लेस लगी हुई थी, यहाँ पे मुझे लेस रिसीव हुई है एक मीटर की। आप इसे अपनी वेस्ट पे या फिर अपने आर्म्स पे लगवा सकते हैं उस तरह से। फिर ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, ये भी ब्लैक कलर का है बट ये ट्रांसपेरेंट है और ये थोड़ा हार्ड मटेरियल में, जबकि वहाँ पे बंगाली सेटिन सिल्क लिखा था दोनों लहंगे के लिए, बट ये थोड़ा हार्ड है। और ये भी एक डेढ़ मीटर का कपड़ा लग रहा है मुझे, और ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर तो डेफिनेटली हमें लाइनिंग लगवानी ही पड़ेगी। तो अब बढ़ते हैं इसके स्कर्ट पोर्शन की तरफ। तो स्कर्ट इसका कुछ इस तरह का है, जैसा इमेज में शो हो रहा था ये सेम वैसा ही स्कर्ट है, और इसकी वेस्ट भी उसी की तरह है कि आपको इसके अंदर डोरी लगवानी पड़ेगी, बट आप चाहें तो इलास्टिक भी लगवा सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। और ये लहंगा ऐसा है, ये साइड से ओपन है, आपको इसे साइड से स्टिच कराना पड़ेगा, और वो वाला लहंगा साइड से स्टिच था, उसमें सिर्फ आपको डोरी डाल के पहनने की देर थी, बाकी इसको आपको साइड से स्टिच कराना पड़ेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। इसमें भी यहाँ प्लेट्स बनी हुई है और इसका प्रिंट सेम इमेज जैसा ही है,
जैसा कि इमेज में मुझे शो हो रहा था, और इसकी भी लेंथ अच्छी है, आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो इसका स्कर्ट पोर्शन ऐसा है, इसकी लेंथ ऐसी है, और इसमें उस वाले लहंगे से ज्यादा घेर है। मेरे कैमरे में भी इसका घेरा फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका घेरा उस वाले लहंगे से ज्यादा है। तो जब आप इसे वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा घेरा आपको मिलेगा। तो बात करते हैं दोनों लहंगों की। तो दोनों में चुन्नी थी, जबकि दोनों की इमेजेस में चुन्नी शो नहीं हो रही थी, तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो इसके लिए थम्स अप। और बात रही ब्लाउज की, तो दोनों का ब्लाउज बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है, जैसा पिंक वाला है, और थोड़ा हार्ड मटेरियल का है, ब्लैक वाला। बट दोनों से ब्लाउज बहुत अच्छे स्टिच होंगे, फिर चाहे आप क्रॉप टॉप सिलवाओ, फुली स्लीव्स का सिलवाओ, आपका ब्लाउज स्टिच हो जाएगा। अब बात करते हैं दोनों के लहंगों की। तो ब्लू वाला लहंगा साइड से स्टिच था, आपको बस उसे वेयर करना था, और वो सॉफ्ट मटेरियल का था। बट जो व्हाइट वाला लहंगा है ना, आपको उसके नीचे डेफिनेटली कुछ वेयर करना पड़ेगा, या उसके अंदर लाइनिंग लगवानी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का है। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये दोनों लहंगे कैसे लगे। मैंने फर्स्ट टाइम क्लब फैक्ट्री से कुछ एथनिक वेयर मंगवाया है, और दोनों लहंगे मुझे बहुत अच्छी तरह से रिसीव हुए हैं। इमेज में जैसे दिख रहे थे सेम वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है। तो आप चाहे तो अभी क्लब फैक्ट्री से बाय कर सकते हैं, बट अभी क्लब फैक्ट्री से आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और COVID-19 की वजह से वहां से आप कुछ भी शॉप नहीं कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इन दोनों में से फेवरेट कौन सा है। मेरा ब्लू वाला है। तो आप लोग बताइए आपको ब्लू अच्छा लगा है या ब्लैक एंड व्हाइट। तो गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।